यार वो भी क्या टाइम हुआ करता था ना यार, जब हम दोनों हमेशा साथ रहा करते थे, हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते थे। मैं उसके साथ बहुत खुश था, मैं उसको कभी खोना नहीं चाहता था, मैं उसको हर वक्त अपने गले से लगा कर रखता था। पर धीरे धीरे वो मुझे इग्नोर करने लगी, मैं उससे पूछता था तो बताती भी नहीं थी। धीरे धीरे वो मुझसे दूर जाती गई और एक दिन बिल्कुल दूर चली गई और मुझे एकदम अकेला छोड़ दिया। उसके छोड़ जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गया था, मैं बिल्कुल हमेशा दुखी रहा करता था। यहाँ तक कि उसके चले जाने के बाद मैंने 2 दिन तक खाना तक नहीं खाया था, मुझे हमेशा उसकी याद सताती रहती थी। फिर 5-6 महीनों के बाद जब मैं एक दिन स्कूल से घर आ रहा था, तभी मुझे एक अत्यंत हसन परी दिखी। उसका एटीट्यूड एकदम एक्सट्रीम लेवल पे था, उसके नखरे तब क्या ही बताऊँ यार। उसका फिगर यार एकदम जहर था, मतलब जो भी देखे बस पिघल जाए। और उसका रंग, आए हाय, मैं उसको बस देख हर वक्त देखता रहता था, क्योंकि और कुछ कर भी कह सकते। फिर 1-2 साल की मेहनत के बाद जैसे तैसे होना क्या था, उसको भी मेरे से प्यार हो गया। फिर हम लोग हर वक्त साथ रहा करते थे, मैं उसको कभी अपने प्यार की कमी नहीं होने दी, मैं उसको हर वक्त अपने गले से लगा कर रखता था। हम लोग बहुत खुश थे, पर दुनिया वाले हमें कभी खुशी देख नहीं पाए। वो लोग हमें जब साथ दिखते तो पता नहीं कैसे कैसे ताने मारते थे यार, क्या ही बताऊँ आप लोगों को कैसे कैसे ताने मारते थे। लेकिन फिर भी हम दुनिया वालों की फिक्र ना करते हुए एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे, भाई ऐसा कौन है यार जिसको इतना प्यार करते थे, तो आप लोग देख ही लो। नहीं, बस देखो यार उसको भाई, क्या बॉडी है इसकी, इसका रंग देखो भाई, और इसकी स्मूथनेस आया है इसकी। अगर मैं इसकी भाई अगर स्मूथनेस की बात करूँ ना, तो बताते बताते भाई दिन ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं है। ठीक है, इससे मैं अत्यंत प्रेम करता हूँ, और इसके नखरे तो ओ हो, और इसकी बॉडी तो बस आप देख ही रहे। और बस यही था इस वीडियो में, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, एंड काफ़ी दिन बाद चैनल पर वीडियो आई है तो थैंक यू यार। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।